आज षष्ठी है यानी नवरात्रा का छठा दिन। तो इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्यारा सा ब्लॉग। पूजा पाठ हो गया है और इस दिन नवरात्रा का छठा दिन है और नवरात्रा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मंत्र उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको पीला वस्त्र, पीला फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दिखाती हूँ पूजा पाठ जो हुआ है। कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति आसानी से होती है। कात्यायनी की पूजा करने से स्त्री को जो विवाह के योग है, पुरुष या स्त्री, उसको मन चाहा वर मिलता है, मन चाहा वर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में स्त्रियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। खाती हूँ आज मेरे घर में क्या खाना बनाया है। तो पहले तो ये पपीता और मुरई खा लेते हैं हम लोग और उसके बाद खाते हैं खाना। तो ये गोभी आलू की सब्जी और फिर ये साग बना है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और दाल बना है, चावल बना है। तो मैं अपने पापा जी के लिए खाना निकालने जा रही हूँ। तो ये देखिए सोयाबीन की सब्जी, थोड़ी भुजिया और सब्जी, दाल, रोटी वो खाते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। साग और मूली मिर्चा। अब हम लोग पहुंच गए हैं बंगला मुखी मंदिर। तो घर पे पूजा कर लिए और फिर पहुंच गए हैं बंगला मुखी मंदिर। तो ये मंदिर में हम लोग आ चुके हैं और बगल में ही मिठाइयाँ फूल सबकी दुकान है। और फिर ये देखिए हम लोग चप्पल खोल लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग करते हैं माँ बंगला मुखी की, हम लोग सुबह जा रहे हैं दर्शन करने। पहले भगवान के मंदिर पे चढ़ने से पहले उनको पहले मंदिर को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे माँ के दर्शन करने के लिए। जय माँ बंगला मुखी। देखिए माँ ने आज पीली साड़ी पहनी है। ये देखिए माँ, जय माँ। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये देखिए आ चुके हैं नरसिंह भगवान के पास, कलेश भगवान के पास। और ये देखिए माँ काली जी, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और ये हर हर महादेव। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पंडित जी हमें भी पूजा लगाते हैं और फिर हम लोग माँ काली से भेंट करते हैं। तो ये देखिए माँ काली जी। और फिर काली जी से पूजा करने के बाद हम लोग चलते हैं ऊपर और पूरा तैयारी हो रहा है सप्तमी के दिन का, क्योंकि सप्तमी के दिन माँ की आंखें खुलती है। और फिर है ना, फिर उस समय भी ना कन्या कन्या जो होती है, कन्या सबकी पूजा की जाती है, क्योंकि कन्या छोटे बच्चे कन्या में भगवान बसते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये देखिए गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। तो गणेश जी के पास हम लोग आए और उनकी भी पूजा की है। देखिए आज की भीड़, चलते हैं नीचे। तो हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं और ये देखिए हवन हो रहा है। यहाँ देखिए लगता है आरती भी शुरू हो चुका है। फिर के हनुमान जी की पूजा देखिए हनुमान जी जय ये देखिए आरती होकर जो आरती के मतलब ये पंडित है वही है वो पंडित पंडित।
मंदिर के चारों तरफ से घूमते हैं और हर भगवान के पास जाके आरती है लगाने बसती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम यहाँ आरती किए और फिर नगाड़े ढोल सब बजे पहली बार ये दृश्य देखे। और पूरा वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को।